दुकान पाया पूरा 1 बज रहा था यदि स्कूल में अपने में बैठी पूरा थिल्ला भर रहा वो अपना गंडासी बनासी ले रहा। आज जोर से रिक्वेस्ट है कि बस इस वीडियो को इतना प्यार देना बहुत ज़्यादा और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और पैरों पे खड़ा करना। तो हमने रात ने रात तो रात हमने प्लान बनाया माँ बेटी हम आखिर निकल लेंगे तो ठीक करेंगे ना तो आज तो खत्म वहाँ पे। इनकी गाड़ी में बात होती थी एक के होल लग रहे के घर में मेरी एक बार आँख फोड़ी ओड़े घर में हाँ छोटी थी अच्छा। तो सारे पूछने लग गए मम्मी का क्या मम्मी ऊपर से गिर गई तो इतनी आँख फोड़ी थी मेरी तलाक वगैरह नहीं हुई तलाक नहीं हुआ मेरा फिर, हाँ फिर हम जिस तरह ये हो गई थी जब मैं भिवाड़ी शिफ्ट हुई मैंने सोचा अब अच्छे दिन आ जाएंगे मम्मी एक्सपायर हो गई थी कभी मायके जाने दिया मम्मी कपड़े सिल सिल कर उस घर का मैंने इतना किया है मैंने 11 साल जिस तरह बच्चे भी नहीं हुए मेरे तनु नहीं हुई थी कि इतना टॉर्चर किया उन्होंने मेरा लड़के भाई बच्चे नहीं है इसको छोड़ दो। तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दो सुखन रेडू। तो दोस्तों फ्रेम में देखने लग रहे भी आप सब जानो भी हो यूट्यूबर है इन्फ्लुएंसर है नाम जिसका भाई सपना और तन्वी मलिक है। तो भाई आप सब जानो भी इनकी स्टोरी जो नहीं जानता भाई वही मेरे से आप तो वही बंदा देखेगा इंटरव्यू जिसका दिल भाई स्ट्रॉन्ग है माइंड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि भाई इमोशनल है इसमें इस बात में इस इंटरव्यू में इमोशनली ज़्यादा होगी। तो भाई पूरी स्टोरी जानेंगे सपना मैम की किस तरीके से भाई स्टार्टिंग हुई थी और किस तरीके से बीच में फिर डीमोटिवेट हुए और फिर बाद में कुकर के भाई वीडियो बनाना स्टार्ट करी और बीच में कॉन्ट्रावर्सी आई थी उस चीज़ ने लेकर भाई सारी क्लियर कराएंगे। तो चैनल पर स्वागत करा मैडम जी का तो राम राम। राम राम भैया जी कैसे हो। बिल्कुल ठीक तन्वी राम नमस्ते ठीक हो। हाँ जी सब अच्छे आप बताओ कौन सी क्लास में पढ़ो। मैं 10th में। ओके अपना गाँव जिला बताओ। मैं आसी की रहने वाली हूँ वैसे शादी मेरी रखी मीता था गाँव में। ओके okay. हाँ शादी हो ना कितने साल हो गए। शादी को हो गए 24-25 साल हो गए मेरी को। 25 साल हाँ जी मतलब ये फिलहाल कहाँ पर हो। अब तो मैं इधर भिवाड़ी में। भिवाड़ी हाँ जी कितने साल तक रहो भिवाड़ी में। भिवाड़ी में मुझे 6 साल हो गए रहते हुए इधर अलग रहते हुए तो अलग हाँ जी। तो अच्छा अलग रहते हुए तो पॉइंट इसे तो चल लाँगे मतलब शादी होगी कौन से सन में हुई थी। मेरी 98 में हुई थी। 98-99 में हुई थी उसके आसपास। अच्छा वहाँ पर हुई तो आप मतलब छोटी उम्र की होगी उस टाइम। छोटी थी 14 साल की थी 3 दिन के बाद मैं 15 की हुई थी वो छोटी थी मोस्ट टाइम। छोटी उम्र में शादी कर दी। छोटी उम्र में इसीलिए कर दी थी क्योंकि पापा बहुत सीरियस थे उस टाइम। हालात नू सोच लो घर के बहुत ज्यादा खराब थे मेरे दोनों बहनों की शादी जब भी क्लियर कर दी थी मैंने। और दूसरी बहन की दूसरी की जींद जी हाँ जी। अच्छा बात करा फिर मतलब आपने भाई छोटी उम्र में शादी होगी तो मतलब कैसे चल रही थी लाइफ उस टाइम शादी के बाद। तो इन्होंने सोच लो मेरी शादी से पहले तो लाइफ ठीक थी माँ बाप के घर तो सबकी ठीक होती है भैया और शादी के पीछे जो लाइफ हुई है ना वो मैं क्या बताऊँ तो बहुत ही खराब थी। सोच लो मेरी रिश्तेदारी में शादी हुई थी मेरा भाई है मामा का लड़का उसका साला का शादी हुई थी कि उन्होंने धक्के से करवाई थी कि उनकी उम्र तो बहुत बड़ी है मेरे से। फिर आपके मतलब मम्मी पापा ने बोला दाब दे रहे हो। पापा ने बोला था पापा मेरे बहुत ज्यादा नाराज थे कि मम्मी को भाई ये बोला गया कि शराब नहीं पीता ये नहीं करता कि अच्छा फैमिली अच्छी है तो शादी कर दो। फिर मम्मी ने सोचा भाई मैंने तो देखा पापा जब उस टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियस थे मम्मी ने कुछ नहीं दिखा पहली ही बार लड़का देखने गई तो वहां वर की आई मम्मी। ओके तो पापा देखने के लिए आए पापा ने साफ मना कर दिया कि मुझे घर बार कुछ भी पसंद नहीं है उनका क्यों ऐसा घर बार था भैया मैंने जिस टाइम पर शादी हो के आई ना मेरे को इतना हक्का लगा कि मैंने 10 दिन तक रोटी भी नहीं खाई थी। एक तो उम्र में ज़्यादा बड़े थे और घर की हालात आप देख लेते नानू सोच लो बिल्कुल एकदम टूटा फूटा घर और बार वो आपका या उनका। उनका मेरा तो ठीक था ले पहले पापा बीमार होने में सब कुछ बिक चुका था सब कुछ पीछे बहुत ही गरीब परिवार हो गया था कि पापा के 4 ऑपरेशन हुए थे। हाँ मतलब पूरे हालात खराब थे बहुत हालात खराब थे उस टाइम पे। फिर मम्मी ने बहुत ही ऐसी शादी करी थी ले दिया बहुत कम था ठीक है। हाँ तो मतलब आप आगे ससुर में कितने दिन आप मतलब खुश रहे थे। मैं कितने दिन नहीं भैया मैंने 1 हफ्ता मुश्किल से निकाला हुआ। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने ये कह रखा था कि ये लड़की शादी भाई कपड़े सिलती है मैंने नो सोच लो कपड़े सिल सिल कर उस घर का मैंने इतना किया है मैंने 11 साल जिस तरह बच्चे भी नहीं हुए मेरे तनु नहीं हुई थी
कि इतना टॉर्चर किया उन्होंने मेरा, लड़के भाई बच्चे नहीं है इसको छोड़ दो और शादी करूंगा मैं। ये तो हो गया टॉर्चर, तो मतलब वो बंदा करे कि आपका हस्बैंड फर्नीचर का काम उनका, मतलब अच्छा काम है अब तो, अच्छा हो रहा बहुत अच्छा हो रहा अब तो। पहले तो ये सोच लो घर में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम टूटी फूटी जी भाई, अंदर से एक कमरा था, बाहर से एक लॉबी वगैरह बोलते जो गांव में बोला कर एक लॉबी, वो बोला कर के बोला कर पता नहीं टूटी बुरंडा सा, हाँ नू बैठक सी थी उस टाइम पे तो ठीक है। पर सिलाई मैंने इतनी की, इतनी की सुबह 7 बजे लगना शाम ने 9 बजे। जॉइंट फैमिली थी? नहीं नहीं सिंगल थी, माँ बाप थे और वो थे दो जने थे। छोटी प्यारी सी फैमिली थी? फैमिली छोटी सी प्यारी सी नहीं थी, वो बहुत कुछ थी जो मैंने टॉर्चर कराया करती, तो बहुत ही कुछ थी। मतलब आपकी सास भी कराया करती था? सब कुछ कराया करते सारे। अब आपको पास चला है 11 साल तक बच्चे नहीं हुए, मुझे ही पता है कि मेरे घर के हालात कैसे थे। अच्छा, इस बात ना लेकर टॉर्चर कराया बालक बच्चे नहीं, नहीं थे बच्चे। जिस तरह बच्चे होते तो गोली ला के दे देते थे भाई, अबॉर्शन करवा देते थे भाई। ये था कि हमने ये रखनी नहीं, पीछे गरीब परिवार मेरा बहुत ज्यादा गरीब। आपकी फैमिली माँ बाप के कौन थे या फिर रिश्तेदार? माँ बाप क्या था कि पापा की डेथ हो गई थी, पापा ने तो बोल दिया था कि भाई मतलब है, हाँ ओढ़े रहो संभले रहो अपना। पापा तो बस ननू सोच लो मेरे सदमे में आते तो सदमे में जा लिए थे, हाँ। और मम्मी ने ये बोल दिया था कि बेटा मैं कहाँ रखूंगी तेरे को, वही भाई बेटे ने समझाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी तो इतनी मजबूर हो गई थी कि नू बोली बेटा मैं कहाँ रखूं तेरे को, जितना भी हो सका ना तू भाई अपना रह, मन्ना ना जितना भी दुख हो ना मैंने बताया नहीं मम्मी थी कभी भी। अच्छा, फिर ये हुई तन्नु, मम्मी थी जब। कितने साल बाद हुई तन्नु? 11 साल बाद हुई है, 11वां साल लगा हुआ था। उस दिन कितने खुश थे, मतलब वो नहीं, मैं तो इतनी खुश थी कि मेरा जीवन का मतलब जीवन का हिस्सा मिल गया था। नहीं, आप तो खुश थे, वो कितने खुश थे? वे कुछ नहीं थे भैया, बिल्कुल भी नहीं खुश थे उनका घर। मैं 11 साल बाद खुशी आई थी, उस बंदे के मुंह पर ये नहीं थी कि मेरा 11 साल बाद खुशी आई कि मैं खुश हो जाऊं। फैमिली तो प्रेगनेंसी में खुश हो जाए, बहुत खुश। मेरी मम्मी खुश थी उस टाइम पर, मम्मी जिंदा थी कि जब मेरा ये होने वाली थी, जब मेरे साथ 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में, मेरी ऑपरेशन से हुई है ये। आपके भाई थे? छोटे थे, थे। ज्यादा नहीं थे, पर ये थे कि 14-15 साल के, 15 साल तक के थे, 16 साल का बस इतना ही था। मैच्योरिटी कौन थी? मैच्योरिटी अभी भी नहीं उनमें, अभी भी उनमें बच्चों जैसी हरकतें हैं दोनों में ही, ज्यादा बड़े नहीं ना, छोटे। तो मैंने तन्नू के सारे ने सोचा भाई अब टाइम पास हो जाएगा, फिर भी उसने ये नहीं होया कि मैं इसको सही रखूं, मारना पीटना मेरे को। शाम को ये हो जाता था कि शाम होती और शाम ना कड़े से नहीं भैया मेरा खूब, जिस तरह वो उठा उठा कर मेरा मारा करता ना मुझे खूब, मतलब चारों पांच सब पूरा परिवार गला लग लेता पूरा, मतलब फिर आप सोच लो इतना खूब था कि मैंने इस थी बताई ना तन्नू ने कहानी जब ये नू बोली मम्मा, मतलब आपने किस तरह से आई, कितने साल से आई? साल से तो भैया मैंने एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। नहीं मतलब 11 साल बाद तो छोरी हुई, 11 साल का बाद, इसके बाद तो नू सोच लो मेरे घर में नू सोच लो मैं इसके कहानी देखना जीना कि मेरी जिंदगी है ये, और उठा कर ये नीचे मार ले ये नहीं हुई थी जब तो नू सोच ले आवाज भी नीचे नहीं आने दिया करता था, बोलने दे यार दे, बाल पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के मारना उसका बहुत, वो कैदी वाला काम हो गया था। अभी भी खौफ है मेरे को। अब क्यों, अब तो मतलब अपना अलग कर लिया, आप क्यों? नहीं भैया वो मेरा 3 बार वार कर चुका, अभी भी वो, अभी भी अब क्या हो गया, तलाक वगैरह नहीं होएगी? तलाक नहीं होया मेरा, चल रहा है। हाँ फिर हम जिस तरह ये हो गई थी जब मैं भिवाड़ी शिफ्ट हुई, मैंने सोचा अब अच्छे दिन आ जाएंगे, मम्मी एक्सपायर हो गई थी, कभी मायके जाने नहीं दिया, मम्मी तड़प रही थी उस टाइम पे, मायके तो मैं कभी गई नहीं, कभी भी ये नहीं देखा कि मायका मेरा क्या चीज हुआ है, बस बेचारी ने मम्मी ठीक हूँ मैं, बेटा तो ठीक, हाँ लुक के पड़ोसी आ गए बेटा ठीक है, वो कहा ठीक हूँ मम्मा, तो ये हुई, मैंने सोचा अब थोड़े अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं भिवाणी आ गई, भिवाणी आए पीछे उसने अगर कोई लेडी जाती ना तो दरवाजे पे रोकना। अच्छा भिवाणी आ गया, उस घर ने छोड़ गया, उस घर ने छोड़ गई आ गई, गोद में ये थी, गोद में थी, 3 साल की थी जब मैं भिवाणी आई, भिवाणी आई जब। किसके सहारे आए थे आप, किसने कह रहा अलग हो जाओ? नहीं नहीं उनने गाँव छोड़ दिया था, गांव छोड़ दिया था कि सारे जानने थोड़े बहुत तो बात तो चल रही सारी जगह पे भाई के होल लग रहे, मेरी एक बार आंख फोड़ी तेरी। अच्छा ओड़े घर में
हाँ छोटी थी। अच्छा। तो सारे पूछने लग गए मम्मी का क्या, मम्मी ऊपर से गिर गई तो इतनी इतनी आंख फोड़ी थी मेरी, हाथ मेरा तोड़ दिया था, आज ये आंगली है मनु करूं सूज रही है इसलिए हाथ में दिक्कत है, इतना नीला हो गया था। मतलब फिर आप भिवानी आ गए, भिवानी किसके पास रहे थे? पहले तो उधर ही थी घर में मैं। अच्छा उधर रात न जिस तरह सुते होते तो उठा के मारना आवाज नहीं निकालेगी बिल्कुल भी, बोलने नहीं दिया। और किस बात पर लड़ाई? तने ये काम नहीं किया, हर बात पर लड़ाई, काम पर हर चीज की भैया, तने यो पहना क्यों छोड़ दिया, तने इस लेडीज से बात नहीं करनी, उसकी माँ सिखाया करती। मैं कहा ठीक है मैं नहीं मानूंगी, मत बोल लड़का नहीं होया उस बात पर टॉर्चर किया, माइंड तो उस चीज ने बदल, लड़की हुई गोली ला कर दी, लड़की खत्म मेरी पूरी, लड़की मेरी 9 महीने की होकर खत्म हुई है, गोली ला ला के दिया करते थे मैं 9। मजबूरी में आप ले लेंदे और की था। डॉक्टर ने पूछा, मैंने पूछा डॉक्टर साहब भाई मेरी लड़की को ऐसा क्या हुआ, नु बोला पेट, जब ये लड़की पेट में थी ना ऐसी टैबलेट दी गई है कि बच्चा गिराने की, उससे इसकी धड़कन दिल में छेद हो गया, उसके कारण लड़की एक्सपायर हुई मेरी, फिर मेरा लड़का हुआ, लड़का मेरा 2.5 साल के बाद फिर पेट गिरा, तो मेरा लड़का 8 महीने का होगा खत्म हुआ। तो लड़का भी था? लड़का था मेरा, 8 महीने तक मैं कमरे में कैद थी। बुरा हाल था, मतलब वो मतलब के कहूँ वो भाई इंसान है के शैतान है, आप नीचे को माइंड कर दियो। अच्छा मतलब एक कौन सा दिन था, मतलब देखा आप पूरे हाल तो चल रहे थे आपके, एक नू था नहीं भाई इब तो इन तलग हो जो इन तय, मतलब ऐसा तो नू सोचा नहीं था, मन नू था कि जिंदगी पास मैंने इधर ही करनी है, मैंने जिंदगी में ना इतना प्यार किया उससे, मेरे को मारा तो भी मैंने पति सोचा आनू सुधर जाएगा, कि ये सुधरेगा ये सुधरेगा, मैंने जिंदगी में सोचा है मायका नहीं तो कौन है, सपोर्ट किसकी थी, मैंने सपोर्ट कौन थी, किसी चीज की भी नहीं थी भैया, मैंने सपोर्ट किसी चीज की सिर्फ एक लड़की की थी, इसको ना कोने बुला बुला कर नुकता तेरी मम्मी किसे तो बात कर, पापा जी मम्मी पास फोन ही नहीं, बात कहाँ से करेगी, तेरी मम्मी ऊपर काम कर रहा है, वो माँ कितना काम ये कड़े की बात है भिवानी की। अच्छा भिवानी आ ली है, जब भिवानी आ गई थी गाँव में तो छोटी सी तो थी, हाँ 3 साल की लिया है यहाँ पे, 3.5 साल की थी जब ये सारा समझन लग गई थी सब कुछ, मतलब इसने हर चीज नु आया करता कि पापा मम्मी को क्यों मार रहे हैं कमरे में बंद करके। नहीं एक बात बताओ ना, 3 साल की लिया है ना, अब तो भिवानी किसके दौर रहा है? भिवानी सास थी, इसके पापा थे, पहले गांव में रहते थे, फिर उसके बाद गांव वाला घर छोड़ के उन्होंने शहर में हमने भिवानी में लिया था। अच्छा। और वहाँ पे रुक के फिर जब मैं 6-7 साल की हुई थी जब हम प्रॉपर अलग हुए थे वहाँ। अच्छा। जब नू हो गया ना नौबत ये आ गई थी कि गंडा सिले के वहाँ ऊपर खड़ा हो गया था, उस टाइम हम बाहर निकले थे कि माँ बेटे की साजिश थी, इसने सुना मम्मा मौत घूमा थी ऊपर, ये नू बोली मम्मा ये बात हो रही है गाड़ी में बैठ के इनकी, तो हमने रात हमने प्लान बनाया, माँ बेटी हम आखिर निकल लेंगे तो ठीक रहेंगे ना, तो आज तो खत्म वहाँ पे, इनकी गाड़ी में बात होती थी 1 घंटा गाड़ी में बात, मतलब तीसरा बंदा कोई बीच में, तीसरा बंदा था मेरे, इतने पैर बिल्कुल खत्म हो गए थे ना, लकवे की शिकायत हो गई थी मेरे को, मुँह मांगा हो गया था एक कमरे में कैद रहना, और जिस तरह वो लड़का होया जब भी मैं 9 महीने जिस तरह भूखी पानी पड़ी रहती है, स्कूल से आती थी 3.5-4 साल की थी, मम्मा पानी पी लो मम्मा रोटी ले लो, यही था मतलब उन दवाई ला के दी, दवाई मैंने ली मेरा उल्टी लग गया करती, मैंने सोचा उल्टी की दवाई ला के दी ना तो मेरा ब्लीडिंग होगी भाई बच्चा ही खत्म हो गया मेरा, तो डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा दवाई गर्म दी गई है इसलिए खत्म हो चुका, मैंने फिर भी सोच लिया मेरे कर्म में ये है, मैंने किसी की जरूरत नहीं है, तो उधर समझा लिया मन तो समझाना पड़ा कि मेरी इसकी सपोर्ट इतनी थी कि बचपन से ही सपोर्ट है इस लड़की की मेरे साथ, मम्मा ना फिर उनकी रात ना बातचीत हुई दोनों की, हाँ तो इसकी मेरी हुई मुँह का बेटा इस तरह तो काम नहीं चलेगा, जावा तो जावा भी कहा, तो मेरी सारी टूम वगैरह थी उनके पास ही थी सारी चीज, एक कपड़ा मैंने डाल रखा है एक कपड़ा और कुछ बैग ले तो शक हो जाए उनके कहाँ जा रही दोनों माँ बेटिया, और मायके वाले थे नहीं मेरे साथ, मायके वाले कौन थे, मम्मी नहीं थी पापा नहीं था, अरे इनको क्या बोल लूँ मैं भाई और ना, तो मैं उधर से निकली, मैं निकली 6 बजे शाम के 5-6 बज रहे थे, तो इसका पापा का फोन गया आसी कि वो आई है क्या है, बनू लीजिए जाइ लोग तो आई गोनी, तो हम 6 बजे जा कर पूछे उधर, 6 बजे फिर फोन आया जीजा सपना तो इधर आ ली,
तो उनका एक महीने तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, भाई के वजह है, क्यों आई है, के नहीं। तो लड़ाई कर करके उन्होंने बातचीत करी कि हम लेकर जाओगे, नू करांगे, कि भी बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि सपोर्ट मैंने मिली नहीं। माइके की सपोर्ट तो मन नू सोच लो के है, माइक बुरा हाल था उस टाइम पे, तो आसी तो इतना बुरा हाल था उस टाइम पे। मतलब ओड़ा फिर मतलब तीन साल बाद ले आए भी वाणी आ गए थे, फिर अलग हो गया एक दिन आ गया। संदीप और का की रिएक्शन हर मानो रिएक्शन तो ये नु था सपना तू अपना पिंड छुटवा ले, मन तो भी नहीं माने किसी की, मन ये सोचा कि जिंदगी मन सोचू इसके लकट जाए उस पर की बातें नहीं। एक लुगाई का के है कि एक जगह सुख ना मिला ना तो कहीं नहीं मिला कर। और फिर संदीप और कितने साल के हो गए जब बीमारी आई, हो गए 20 साल की। हां फिर तो मैच्योरिटी आने लगा है, इतना इतना अज्ञान होया है, इतना उन कदे दुख देख तो कौन क्या था। मन ने कभी भी उन्होंने परेशान नहीं किया कि मैं दुखी हूँ, मैंने कभी नहीं किया उनको परेशान कि मैं अब कुछ भी बोलते रहो। मैं आज तक मुझे 6 साल हो गए मेरे घर में अगर रोटी भी नहीं देने, मैंने कभी मेरे मायके वाले नहीं बुलाए, फील नहीं होने दे उन तक, मैं सही हूँ अपनी जगह। मतलब फिर संदीप और कितने दिन बाद मतलब वो वीडियो वाडियो बनाने लगे, शादी कब हुई? कुछ नहीं पता था, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं था। मासी दी आसी के बाद मन ननू देखा सपोर्ट नहीं मिली, मन मन ननू का लगे तू ससुराल चली जा। अच्छा जिस पर बीतती है ना उसे ना पता है। हां मेरा तो मन ना के करे हमना कदम उठाया मगा तन्नू बीमारी चलेंगे देखेंगे कुछ तो बीमारी आई और तो चल पड़े और तो चल पड़ी। फिर आड़े कौन सा सहारा था, आड़े मन ना कौन सा सहारा नहीं था। मन आई एक कपड़े में, ये कपड़े में नु कह रहा ना भगवान किसी ने भेजे आया तो आंटी दी कोई मन मिली नु बोली सपना टेंशन ना ले तू काम चलू कर। पड़ोस में थी, मन ने एक कमरा लिया, कमरे में कुछ नहीं बस वो मतलब अपना के काम करने लगी थोड़ा सिलाई अपनी जिंदाबाद। माँ मन करूँ मेरी मम्मी मरण वाली स्वर्ग में जाओ कि मेरी सिलाई सिखा के गई और मैं उसका इतना शुक्रिया अदा करूँ कि मैं सब नहीं बोलूंगी कि कोई भी लड़की हो कुछ काम सिखाए हुनर करो भाई हुनर आना चाहिए। आज का काम मार मार आज ही हुनर ना आता ना भैया मैं आज इस तो बैठती नहीं। हाँ वही काम हाथ का है वो कामयाब कर गया आपने। मतलब मेहनत है एक वही है उल्टे लग रहे थे दिन जिस टाइम पर मैं लिगड़ी जब उधर से है एक कपड़े में थे अम्मा बेटी ना इसके पास कुछ था मेरे ती किसे ने भी तीन साल नहीं संभाला अरबी वाणी थे और उस कमरे में तीन साल रहे यहाँ पे सूट सी मैं कर दी तीन साल का रही ना सोचो जिसके साथ आदमी ना होता उसने कितनी सुननी पड़ती है बुरा हाल मेरा। मतलब माइक के आड़े ने भी कोई भाई उन्होंने भाई फोन फान कर ले मेरे पास सब चक कुछ भी कोई बोलो मेरे पास कोई नहीं आया उस टाइम पे। अच्छा फिर उस हंसी से कट कर लिया था हंसी साग थी मन ना ये कहते कि चली जा मन ने किसी की नहीं माननी मन ना अपने पैरों पर खड़ा होना डेली मैं सोच मन नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगी तो इसका कौन है। अब तो मेरे घर में जब कैसे था 1500 का घर था 2000 का था मेरी बहन आई जींद वाली आई तो गर्मा के साथ कपनी मेरे घर में उस टाइम कुछ नहीं था बस एक वही कुछ भी नहीं था तो नू बोले इस घर में तो मेरे कुत्ते भी को नहीं रहो जिस घर में डांट मारेगी ओते बे खुद की मतलब खुद का खून ये बैठे को कुछ भी बोलो। हां वो टाइम पर पहले कुछ और बोल रहा था और कुछ बोल रहा है आज तक जिंदगी में मतलब क्यों बड़े अंबानी थी क्यों अंबानी का ब्याह ही रखी थी बोले नू गाड़ा कुत्ते भी नहीं रहो कोई ना आप छोटा दिल मत करो। मतलब उस टाइम पे कपड़े भी नहीं थे उस टाइम पे किसी ने ये नहीं सोचा कि सपना के साथ के बीत रही है तू एक कपड़ा तो दे क्या उसको मरना जिंदगी में भैया जिस टाइम पे मैं रहा करती भी वाणी मेरे पास इतना सिलाई की थी माई रानी ने इतनी बरकत कर रखी थी मैंने सबका सारा लगाया सबका बेहद सारा लगाया पर मेरा कोई भी आता तो मजाक उठा के चला जाता कमेंट मारया डांट मारया कमेंट के है तू कुत्ता डा की तरिया मारा कर अपन क्या आज मतलब आपके हस्बैंड उस टाइम आप भी वाणी थे तो बीच बीच में बोल लिया यार कुछ फोन बोल क्यों करते
उन्होंने मेरा पट्टा गर्म रहा है शुरुआत थी जिस टाइम पे मैंने दुकान नहीं करी थी बहुत गंदा बोला उसी टाइम भैया मन कमरा खाली करना पड़ा कौन रहने देगा फिर आप भी आ गई रात तो रात रोई खूब रोए मम्मी आप कहाँ जाएंगे किसे मत भगवान गुस्साया देखो दूसरा घर ढूंढा दूसरा मनु बोले कि ये माँ बेटी अकेली रहा है दो साहब ने घर मेरा किक्के लाग से एक लेडीज पे दूसरा खाली करवाया कि इसका पति से नमारन खतरा है तीसरा घर लिया फिर आउने कोई फिर तीसरा लिया आउने वो भी खाली दुकान पाया पूरा एक बज रहा था ये दी स्कूल में अपने में बैठी पूरा थिल्ला भर रहा वो अपना गंडासी बनासी ले रहा आज वे तीन बंदे मेरे द्वारा ना होते ना आज जन्म आड़ नहीं थी मारन की पूरी प्लानिंग पूरी मेरे गड़े पे उसने नू सोच लो छुटानिया कौन छुटानिया तीन जने थे ओड़े थे दुकान में या गाड़ी जानी ना 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 शॉप में सिलाई करती थी ना अच्छा अच्छा हाँ सिलाई मैंने स्टार्ट करी मेरे पास कुछ भी नहीं था किसी ने जिस तरह मशीन दी लाई मेरे से किसी ने भाई सिलेंडर दिया मतलब मेरी इतनी मदद करी लोगों ने बेहद भाई किसी ने नूदरीला सपना पाछा कर लिया कोई बात को नहीं ये सूट है ये तू तेरा शिमले तन पर गेर ले मैंने सिलाई का काम स्टार्ट कर लिया जो पैर जोड़ कर कि मैंने दुकान ले ली किसी की किराए पर करने लग गया अपना माई रानी ने थोड़ा बहुत खर्चा चलने लग गया क्यों जिसका आत्मा उन्नर हो जाए उसकी तो मैं करूँ काम का टोटा ही नहीं हुआ मैं जैसे भी मैंने सिलाई चालू करी माई रानी ने बरसात कर दी सिलाई की मतलब मारा खर्चा चलने लग गया चलने लग गया काम आने लग गया दो दिन के एक बज रहे एक बजे अपना आया और उसने गंडासी लगाई गंडासी लगाते साथ सारे के फोटो मेरे पास सबूत भी थे फोन मेरा उसमें अब जा तो रहा है वो मतलब कोर्ट केस कर दिया था तो कोर्ट में ये बोला था कि मेरे पास कुछ नहीं है मैं खर्चा मतलब उस टाइम उन्होंने बहुत परेशान कर दिया था तो उसके बाद हाँ जी और फिर उसके बाद हमने कोर्ट में केस किया था तो उसके बाद सबूत दिखाने के लिए कि एक काम करती है तो मतलब मम्मी के यहाँ पे लगा के करना सी फिर उसके बाद फोटो खींचने आए थे वो कि इसकी शॉप है ये शॉप पे काम करती है तो मैं खर्चा नहीं दूंगा और फिर मम्मी ने जाते टाइम फोन खींचा ना तो मम्मी को इतनी जोर से धक्का दे के मारा मतलब मम्मी को पूरे ढाई तीन घंटे में अच्छा था धक्का मारा मैं तो नहीं जानती मतलब किसकी किस्मत जग गई हूं अच्छा ढाई घंटे में मन होश आया तो शायद मैं सरकारी हॉस्पिटल में पड़ी थी वेनु बोले मैलर आर कटवा दो मेरे पास था तो नहीं कोई कौन कटवाओ है आज ये दिन तो याद आवे कि कोई था ही नहीं केस में क्यों आ रही मेरे केस में कोई है ही था नहीं नु बोले एक बार सबूत ला के दिखा दे तेरे मायके वाले का भाई कोई भी सबूत आ जाओ कोई नहीं आया पर उस साइड मतलब इतना सिलसिला चल रहा 3 साल तक फिर मायके वाला संदीप और भी हो गए थे मायके में मम्मी पापा ये नहीं कहते कि बड़े हो ना घर में तो कुछ होता है और बड़े ना हो ना तो नु सोच लो कुछ नहीं है घर में तो उस टाइम संदीप और क्या करे संदीप तो जिस तरह आदर कर रहे हैं मैं किस तरह कहती हूँ नहीं करती अगर उसके बाद चौनी भी ना होना है तो भी वो कहीं से चौनी ला के हमको देगी
जब आप गुस्से में है कुछ भी बोलो मरना कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा करा करना है चाहे वो कोई भी हो मैं उसके बारे में तारीफ करूंगी कि वो मेरे सर पर हाथ रखा है कम तक नू तक है दीदी ये सूट तो लेके जाओ। ये तो बात सही। अच्छा मां का रोल देवे इतने साल चला सिलसिला फिर केस चलेगा कोर्ट में कितने दिन चले केस में केस तो चल रहा है। अच्छा चल रहा है कोई मतलब एक पास से नहीं हुआ किसी साइड केस मेरे पास कोई भी सबूत नहीं। आज के कह रहे हो हस्बैंड अब आज तो के पीछे केस था उसमें जमीन वाला था कुछ है ही नहीं कुछ मेरे साथ कुछ है तो नहीं। कोर्ट में जाओ आप वो आवा उस साइड पे हां आता है तारीख पे आवा थोड़ा के बातचीत हो बातचीत ये अखे ने मिला था मेरे साथ ये गई थी अपन बताते ये गई थी। अच्छा, क्या अच्छा अब की बार आप गए। हाँ जी मतलब पता है क्या है हाँ। वो जैसे भी जैसे मार पीट के वो सबूत ले जाते सारे कि ये काम करती है इनके पास स्कूटी है और जब से हम थोड़े टाइम से यूट्यूब पे है तो दिखा देते कि यूट्यूब पे भी इनकम ले रही है मतलब उनके पास मोस्ट ऑफ द सारे सबूत है। अब हमारे साथ कोई हो नहीं कोई बड़ा हो तो हम जाके सबूत ले सकते हैं। अब कोई होता नहीं है साथ में अगर फिर वहाँ पे जाके वो कह रहे कि अगर क्या तो तुम रहने लग जाओ साथ में अगर रहोगे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा चैलेंज ऐसा दे रहा है कि वो मेरे को बंदा मार कर जेड़ काटनी जब मेरा सारा कमाई हो रहा है उसका हिसाब नहीं की तेरी बेटी इतना अच्छा स्कूल में पढ़ रही थी स्कूल से नाम कटवा दिया वो आदमी है मतलब पढ़ने वाला बालक ना पर उसने नु कह दी तू मेरा ना बन तेरी बेटी का बन जा। हां बालक का तो कम से कम जब खुद की बेटी का नहीं हो मेरा के बनेगा उसने के इंसान का मां है वो शैतान है एक तरह का मतलब अपने मां अपना खून का नहीं है चलो भाई हो जा कर है पता नहीं गला थोड़ा बहुत मैं तो यही बोलूंगी कि मां बाप जिंदगी में होने चाहिए मां बाप बिना दी बिरान माटी है पूरी है थोड़ी नहीं पूरी है मेरा वो बोल तो देती है कहने वाले और उसकी केन्यारी माँ थी अरे माँ थी मैं एक पल भी नहीं भूल सकती भैया उसने ना बता माँ थी वो मतलब उसने की सारी वो भी लड़ा वो अगर मम्मी होती ना मेरी आज ये भी ननमाटी नहीं होती कुछ सलूशन होता ये जो सासू ने भी माँ कमा है तो वह भी एक शैतान ने थी शैतान वो तो अब चल बसी मैंने कभी भी जिंदगी में ना तो नणंदा ने दोस्त दिया ना सासू ने दिया जब खुट्टा मजबूत होना तो किसी ने दोष नहीं देना चाहिए वो नहीं मजबूत तो किसने कहना नणंद का तो आपे ना कोई भी लेडीज हो तो नणंद का नाम ना लिखवाओ चाहे कैसी भी हो वो अपना घर बसावा है मियाँ बीबी के बीच में कभी भी नणंद नहीं आनी चाहिए और फिर भी मेरे नणंदों ने मेरे साथ इतना बुरा किया है बेहद बुरा मैंने नाम नहीं लिखवाया फिर भी उनका नु बोली तलाक दे रहे एक पास कसूर किसका लेडीज का कसूर है आपे का मारा भी हुआ है और कसूर आपका कसूर तो दिखने लग रहा है धीरे धीरे करके प्लॉट भी लिया है ये सब कुछ सेट है सेट है भैया बस धीरे धीरे अपना घर बनाया है मैंने अपना थोड़ा बहुत है कर्जा उतार देवांगे मकान हो गया बस ये होगा कि छत होगी मेरी मतलब यूट्यूब पे कद आए थे मतलब एक तो संदीप ने कहा आप आओ या खुद आ जाए अरमान ने बोला था मेरे को। अच्छा मतलब आप बातचीत को नहीं आ रही अरमान दिल्ली था तो किस दिन आपने नो आया मैं बात करूं संदीप के लिए एकदम से मामा जी का कॉल आया। अच्छा कॉल उठने का था। हाँ जी ठीक है फिर उनका कॉल आया उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि वो यूट्यूब वगैरह पर उन्होंने बताया मैं यूट्यूब पे हूँ मैंने पता नहीं था। फिर हम एकदम से एक टाइम के बाद कहाँ पे गए चंडीगढ़ फिर सबने एकदम से बोला ये तेरा भाई तो नहीं है ये तेरा भाई तो नहीं है मतलब एकदम से क्या किसी को पता ही नहीं दोस्तों भाई थोड़ी ना उसका वो दिल्ली गए फिर आप सॉरी चंडीगढ़ चंडीगढ़ फिर वोड़ा चैनल बनवाया आपका नहीं पहले गए एक बार मामा ने बोला चैनल बना लेता हूँ तेरा मतलब अच्छा है तू आराम से अपने रह लेगी सिलाई से मतलब उन्होंने हमें स्टैंड करवाया यूट्यूब पे फिर उसके बाद हम थोड़े टाइम के बाद एक बार गए फिर उसके बाद दोबारा गए फिर चैनल हमारा स्टार्ट हुआ फिर कुछ टाइम के बाद रहे फिर आपको पता है फिर दोबारा हम यहीं पे शिफ्ट हो गए दोबारा फिर शिफ्ट क्योंकि वहाँ का जो नेचर था ना मतलब जिसकी मम्मी अब एक तो जो गांव के एरिया में रहे और फिर एकदम से हाई सोसाइटी में चला जाए तो जल्दी से सूट नहीं बैठता तो फिर मम्मी दोबारा कितने अच्छे हो मायके में नहीं सकती हाँ मायके बिना नहीं चलता
काम स्टैंड कर दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ भाई काम स्टैंड मेरे को कर दिया। बस मैं अपने पैरों पर खड़ी होगी, मैं अपना घर अपना ही होता है, अपने घर मादी भी मिल जाए ना वो भी सुकून की मिलती है। ये तो भाई अच्छा, अरमान मलिक की बात करा, आपने सपोर्ट कराया, बुलाए लिए चंडीगढ़ रहने लग गए थे, वापिस आ गए, स्टैंड बनाए थे चैनल पे, तो इस बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, किस बात को थोड़ा बहुत अमल करना चाहते हो और नया नहीं करना चाहते? भैया उसके बारे में मैं ना कुछ नहीं कहना चाहती, रिक्वेस्ट है गाइस सबसे कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं, ऐसी कुछ पर्सनल बातें ऐसी हो जाती कि दर्द आता है। ठीक है, बस ऐसी कुछ बात होगी दी कि 24 घंटे कुछ भी बात हो कुछ भी सुना नहीं जाता। बस हाँ, मैंने तो एक जिंदगी में सोचा थोड़ा खा ले अपना खा ले, अपना खा ले। बस मैं तो यही बोलूँगी, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना चाहती उनको कुछ भी 1% भी। उसने सपोर्ट दी, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ भाई उसको। अरे दोबारा बुला तो चले तो भैया जमाए टाइम बताएगा, ये सही उन्होंने सही बोला, पर जिंदगी में मैंने एक ही बात सीखी, बस अपना घर अपना ही है। मतलब भाई यही सपोर्ट रही थी, थोड़ा बहुत स्टैंड हो गया, तो ईब हजबैंड का क्या रिएक्शन है? रिएक्शन तो उसका बस एक ही है, जिंदगी खराब करनी तेरी, ईब भी यही बोल रही है, यही आवाज उसकी, मतलब ना जीव ना जीने जीने दो। ईब तो नहीं आंदा घर के पता से तो बहुत पुईया भी ऐसे और दिलजी तलाल काटी गई थी नूली मम्मा से, देख लो अपने ने, मतलब हमारी फैमिली से थे वो घर के सामने से गए थे एक बार, मतलब हमारे घर में जैसे हम चंदेर गए थे, पीछे से कुछ हादसा हुआ था घर में, चोरी वगैरह हो गई थी, मतलब कोई घर से सामान चोरी नहीं, सिर्फ घर को ताला वगैरह तोड़ के घर में कुछ उल्टा पुल्टा करा हुआ था, तो चोर होगा वो तो कुछ ना कुछ निकाल के लेके जाएगा, तो गुस्सा मुरा पड़ा गया वही। अच्छा आप तन्वी स्कूल में जा कर दे और फिर आके माँ का मतलब एक टाइम मतलब पता है क्या था, मेरे जितने भी मतलब हम एकदम से आए थे, मेरा सारा सामान वहाँ था, मैं स्कूल में चली गई, मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की, मैम प्लीज़ मेरे फादर के पास कॉल कर दो, उन्हें बोल दो कि मेरा जो भी सामान है वो मुझे आके दे जाएंगे। उन्होंने साफ कॉल पे मना कर दिया, इसका एडमिशन कट कर दो, मैं इसकी फीस नहीं दूंगा। और ना मैं उस टाइम थी फोर्थ क्लास में, फोर्थ में थे, एक बार हम थर्ड में आए थे, मतलब हम थर्ड क्लास में हम मामा जी के गए थे ना, फिर बीच में हम एक साल वहाँ पे रुके थे, फिर उसके बाद मम्मी ने सोचा कुछ नहीं होता तन्नू की पढ़ाई है मैं कैसे करूँगी, फिर उस टाइम और भी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब एक दिन पता है क्या हुआ, मैं आराम से बैठे थे, एकदम से बोला कि तूने आज ये काम कैसे कर दिया था, और उसी टाइम में मम्मी की उंगली इतनी गंदी तरीके से तोड़ दी उन्होंने, मतलब इतना बुरा, मैं बीच में बैठी थी, एकदम से मैं चिल्ला के दादी के पास गई, उन्होंने मुझे बाहर ही रख लिया, बोले कुछ नहीं होता मारने दे क्या जा रहा है। अच्छा मतलब उस टाइम तो मेरे लिए इतना स्केरी था, मतलब मैं इतनी डर गई थी उस टाइम पे, और फिर डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या हो गया उंगली में, बोले ऐसे टूट गई थी, फिर डॉक्टर ने बोला ये तो तोड़ी हुई है, तो गुस्से में तोड़ी हुई है, फिर उन्होंने डॉक्टर के सामने पता है कि हंस के क्या बोला, जी मैंने तोड़ी है कौन सी बड़ी बात है, मतलब एफआईआर भी नहीं करवाया सीधे वही लेकर जा रहे हैं, कुछ कभी नहीं करवाया। अच्छा मत बोला हर चीज दबाई मैंने मम्मी का आगे, क्योंकि मम्मी टेंशन कैंसर थी ना मम्मी को, उस करके भाई क्यों मैंने कुछ नहीं बताया कि हम उसके सुधरने के आज भी हालात नहीं है, तो मतलब ना जीऊ ना जीण दू, तो मतलब ईब तो जीण दो क्योंकि भाई अपना स्टैंड बना रखा है, जिन्हू लागा अपने है बस नो रही है क्यों बना रही है उनका चिड़ तो इसी चीज है ना, इसका स्टैंड क्यों बना, जे अपने लागे तो आगे संभाल ले कि ईब कुछ नहीं बिगड़े। एक बात बोलूंगी मैं, कोई खुश नहीं होता घर से निकल कर, मैंने 15 साल उस घर में इतनी मेहनत करी है, मैंने तन्नू के लिए इतना गहना जोड़ रखा है, इतने 3 कॉपियां खुलवा रखी मैंने इसकी, एक जिंदगी में ये नहीं है कि बाजगी कोई ये दिखे ना भाई किसी के साथ चली गई तो आदमी रह ले, मैंने एक मेरी बेटी के साथ जिंदगी पास की है, इसी के साथ करूंगी, मेरी यही है कि कहना आसान हो जाता, निकल गई होगी घर से, निकलना आसान नहीं है भैया, छोटी बात है और को भाई मतलब दिल पर पत्थर लेकर दरकार, फिर मजबूरी था लेकर ना रो, एक टाइम भूखा रहना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाए है, मुझे आज रोते हुए पूरा एक महीना हो गया। अब क्यों रो रहे, अब तो मतलब ठीक है सिस्टम, आप छोटा दिल ना रहे क्योंकि इतनी पब्लिक आपके साथ इतना सपोर्ट कर रहा है, पूरा हरियाणा जाना है, मुझे पता है पूरी मीडिया मेरे साथ है कि थैंक यू, पर जिस पे बीतती है ना सिर्फ वही जाना वही जाना है, बट ईब तो ये है कि वहाँ पब्लिक भी कमेंट कर रहा है, मुझे बात ऐसी बोली गई मेरे से कि वो मेरे दिल में लगी है। हाँ बोलने जाओ भाई उस टाइम पे वो सिचुएशन और डर की होगा उस टाइम पे और मुंडगा हुआ बंदा,
तो बोल ही जावे है, तो आप टेंशन ना ले हो, मतलब तो टेंशन है भैया जब जिस पे मेरे पे बीती थी ना से 15 दिन पहले, ये जानती है मैं जानती, 4 दिन तक रोटी नहीं खाई थी मैंने, भी पीछे लड़ाई हुई थी जब, अच्छा मुझे ही पता है, जिसने जब जो कुछ बोला था तो मैं ही जानती हूँ, मतलब आप गलो तो मतलब वो नहीं आ रहा के पैर के बांध के घिस रहा है ना, जाता है ये रो के बोलती है जिस पे बीतती ना रोना बढ़िया पा जाता है, पैर के बांध के नहीं घिस रहा अगर वो चीज करती है आपके साथ चारों तरफ से, बता बट ईव तो आप कभी कोई सफाई दे रही है, कभी कोई सफाई दे रही है, मन्ने कुछ नहीं बोलना किसी के बारे में, मन्ने ये पता है कि मेरी मीडिया मेरे साथ है कि मन्ने आपके कहने से इंटरव्यू दिया है, नहीं मेरे भैया ने पूछा 15 दिन से मुझे ये बोल रहे हैं सपना हूं, नहीं भैया आऊ नहीं पूछ लो जी, समझो था मैं फीलिंग, बट कुछ टाइम हुआ है कि वो टाइम आज का था, क्योंकि भाई मेरे तो बताई स्टोरी में देखूं भी था किस तरीके के सिचुएशन थी, मैंने खुद ने भी रहा, आपने आधी स्टोरी बता रखी थी आपके चैनल पे, तो चंडीगढ़ बताई थी ना उस टाइम में समझे थी मैं, वाह भाई ओ इसका बंदा किस मूड में, अरे समाज के लिए जिस तरह हमारी लाइन है उसके लिए हमने नहाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, कपड़े डालने भी पड़ते हैं, बस ये है कि इसके साथ मेरा इतना गुजारा कि मेरी बेटी आज तक 1 रुपये की जिद नहीं करती, जो मैंने दे दिया वो ही डाल लिया, अब तो इसके बेचारी के कोला के आते ही डाल लेती कपड़े, नहीं मैंने कभी भी से नहीं किया कि मम्मी मुझे ये ला के दे लो मैं ये पहनूंगी, अब तो पढ़ाई चल रही होगी, पढ़ाई होशियार है, पढ़ाई होशियार है, मतलब के करना चाहोगी तन्नू आगे जिंदगी में, मैं आगे नॉन मेडिकल लेके एक मैनेजर का कोर्स, पहले काम है फिर उसके बाद वीडियो है, पहले काम जरूरी है, कदे मास्टर ने कहा मेरी बहू तो तारी वीडियो देखी है, तेरी मां ने कह दिया देखते तो है सारे टीचर देखते हैं, प्रिंसिपल भी देखा है, प्रिंसिपल मैम का पता नहीं, बाकी कई टीचर्स हैं वो देखते हैं, अच्छा खुशी पूरी हुआ है, पर आपकी मम्मी तो केक गवा के, मेरी मम्मी आ तो मैं आज तो मैंने मैम से बताया था मैम आपका ब्लॉग देख रही थी, अच्छा कहीं बाहर बूर मार्केट में गई हो आप अकेली फ्रेंड के साथ, किसी ने फोटो लिया हो, कल की बात है जब मैं मार्केट में जा रही थी मेरी फ्रेंड के पास से आई थी, एकदम से सामने से एक दीदी आई उन्होंने स्कूटी रुकाई, तनु तनु मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब जब अगर सिंगल एक बंदा भी मिल जाए ना कहीं पे तो इतनी खुशी होती है, मतलब बहुत, मतलब हम कहीं भी चले जाते हैं ना कम से कम एक ना एक तो कोई मिलता ही है, और उन्हें देख के मतलब इतना अच्छा फील होता है, फिर और होता है कि और अच्छे से ब्लॉग करे और अच्छे से करे, तो खुशी तो मतलब एक मतलब सारी तरफ से हमारी तरफ उदासी आती है, एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके हमें खुशी मिलती है, मतलब एक जो अपनी फैमिली वाली फीलिंग आती है ना यूट्यूब पे आके मिलती है, सारे प्यार वहाँ से देते हैं, यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ रहे ना, ये रो खुश क्योंकि ना रिकमेंड करें नहीं, तन्वी था मिलना है, मैंने सपना था मिलना है, अगर कोई मिलना चाहो तो बिल्कुल मिलेंगे, आज उनकी बदौलत है हम इधर, बिल्कुल कोई भी मिलना चाहो तो भी आनी है आज कल, पहले को मैं कॉल वगैरह कर ले, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तन्वी आप कौन सी ऐप पे मतलब एडिटिंग करो, मैं आई मूवी से, आई मूवी से, और थंबनेल थंबनेल वगैरह इंस्टाग्राम से बनाती हूँ, सारा आप पे करो या फिर आप मम्मी भी बताओ ये कट करनी है या नू, फिलहाल तो मैं ही कुछ ना कुछ मम्मी को जाता, जैसे कि बीच में मेरा शेड्यूल ज़्यादा बिजी हो गया था तो बीच में मैंने मम्मी को एडिटिंग सिखाई और फिर मम्मी ने एडिटिंग स्टार्ट की, अब धीरे धीरे करके जैसे कि अगर जो काम होते हैं मेन अगर बाई चांस मैं ना कर पाऊँ तो मम्मी को सिखा रही, ताकि अगर मेरा स्कूल का कुछ भी काम हो तो मम्मी कर सके पीछे से, जैसे कि एडिटिंग हो गई है अपलोडिंग वगैरह है, वैसे तो मोस्ट ऑफ दी मैं ही करती हूँ, बट हल्का फुल्का जो काम होता है ना जो मम्मी कर सके वो मम्मी कर लेती है, अच्छा बाहर कोई सा मतलब मार्केट में मिला हो आप जिक्र आपकी मम्मी की स्टोरी है कंधा बेटा टेंशन ना ले आपके साथ, बहुत है सॉरी, अच्छा। सब मार्केट में जैसे कोई भी पार्क वगैरह में जाते हैं तो कहते हैं सपना दीदी प्लीज रोया मत करो, मैं देख के अच्छा नहीं लगता, हम सब है आपके साथ प्लीज आप रोया मत करो, मतलब जिसने भी जिसकी अभी हमने सूटर वाली वीडियो डाली थी उसके अंदर नंबर करा था हमने रेवल, तो उसके अंदर सबके कॉल आता है, सब पता है सबसे पहले क्या कहते हैं, सपना दीदी प्लीज रोया मत करो, अच्छी फीलिंग नहीं आती, मतलब आपकी जो लाइफ स्टोरी है उसे देख के मतलब इतना बुरा फील होता है ना, मतलब एक जो रियलिटी होती है ना वो दिखाई देती है और साथ में हम भी रोने लग जाते हैं उसमें, अच्छा सपना मैं आप तो पूछो मैं अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होगी 1 लाख हो गई, 1 लाख पहले थी, अच्छा क्योंकि घनखरी ब्यूटी खोल रही है सोच सपना मैम तो सूट देख है मतलब मेरी दुकान चल जाए, तो कोई कराना चाहो तो कुकर के करा बातचीत करें,
बिल्कुल आपके साथ नंबर मैंने डाल दूंगी, आपको पता ही होगा नंबर का, तो आप दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में दे दूं। हाँ जी दे सकते हो, नीचे मैं दे दूंगा भाई, वो आप बातचीत कर लियो। हाँ। किसी चीज़ की अपना ऐड करानी है, इंस्टाग्राम पे करानी, यूट्यूब पे करानी है, वही पूरी वीडियो बनानी है, छोटी क्लिप बनानी है, इंस्टाग्राम पे लिंक छोड़ देना तनु के, तनु का है, डीएम कर देना आप मुझे इंस्टाग्राम पे tanumalik09 पे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा भाई, किसी तरीके की ऐड कराओ तो। अब मतलब अच्छा खासा से अब तो ठीक चल रहा है। हाँ ठीक है, अब तो इतनी पब्लिक भी प्यार दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बात करा, आप शॉप बता रहे हो, शॉप पे काम करो। हाँ। अपनी खुदाड़ी पे ये भी कितना परसेंट काम जो करो? काम तो मैं देखो अब तो ना डेढ़ महीना हो गया मेरी छोड़ रखा है, छोड़ नहीं रखा, तबीयत इतनी खराब है कि मैं ब्लॉग में ज्यादा नहीं दिखा सकती कि मेरी तबीयत खराब है बार बार, मेरे को अब पानी पिया तो भी दर्द होता है, तो मैं ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकता। डॉक्टर के बताऊं? डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया है और, हाँ ना इधर पेट में सूजन आ रही है और लीवर का साइज बड़ा हुआ है, इन्फेक्शन ज्यादा है कि 10-15 दिन के लिए एडमिट की कह रहे थे, मैं नहीं होती। क्यों डॉक्टर के साथ तो नहीं बोला कि टैबलेट ज्यादा दे नहीं सकते, ग्लूकोज से ही आराम होगा आपको। फिर आप 2 दिन तो करो, मतलब 3 दिन मैंने वही हो, 3 दिन इसको दिक्कत हो जाती है ना, कभी उधर कभी इधर कभी ट्यूशन पे, इस बीमारी में ये भी दिक्कत है। अब 2 दिन से ले रही हूँ दवाइयाँ। ओके लास्ट में क्या कहना चाहोगे, इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग प्यार दे रही पब्लिक, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगी गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्यार देना, और जो भी लड़की है, जो छोटी है बड़ी है, हर चीज़ अपने पैरों पर स्टैंड जरूर होना। बिल्कुल, मैं तो यही बोलूँगी, मेरे साथ हुआ ना वो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी, बस वही आज जोर से रिक्वेस्ट है कि बस इस वीडियो को इतना प्यार देना बहुत ज़्यादा, और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और पैरों पर खड़ा करना, मेरी यही कहना है बस। तनवी से पूछ लो आपके को, और अगर भी आपके साथ भी मम्मी के जैसा होता है ना, मतलब स्टार्टिंग से मम्मी ने मेरे होने के बाद स्टैंड थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट किया था। हाँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप पहले स्टैंड ले लो, ताकि वो प्रॉब्लम बड़ी ना और फिर आपको आगे जाके बहुत दिक्कत ना आए। हाँ। जैसे फिलहाल अभी मम्मी को आ रही है, बहुत हद से ज़्यादा दिक्कत आ रही है इन दिनों मम्मी को, तो इस चीज़ के लिए कई होते हैं कि वो स्टैंड नहीं करते, मम्मी की तरह सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, और ये एक दिन धीरे धीरे करके इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आजकल इतने केसेस चल रहे हैं, आज इस लड़की का मर्डर हो गया, आज ये हो गया, आज वो होगा, मतलब हद से ज्यादा ये चीजें बढ़ रही हैं। आए नए दिन आ जाए, डेली डेली कोई ना कोई नई खबर आ रही है, तो प्लीज गाइज अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज इसके लिए स्टैंड लो। ऐसी इस छोटी सी बात को कब बड़ी हो जाए पता नहीं लगेगा, तो इसे बड़ी होने में दो, आप छोटी है जब भी खत्म कर दो इस बात। और हर किलो मेरी थी अरेंज, अरेंज थी मेरी, अरेंज उस टाइम तो अरेंज हुआ यार। ये रिक्वेस्ट है कि मैं ज्यादा गाइस आज लव मैरिज कर रहा, आज घन कह रहे हैं कि लव मैरिज भी टिक दी, अरेंज भी टिक दी, वो तो किस्मत के लिए कैश का इस चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपका मतलब इतना कीमती समय दिया, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहा है, काम तो है। कीमती नहीं है भैया, देखो इस पब्लिक से हम इधर आए हैं, इस पब्लिक से ऊपर चढ़े हैं, और ये ही सबको सपोर्ट देती, देखो बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल, मैं तो इन्हीं के सहारे चल रही हूँ, मतलब देखो, और जो ये बोलते ना मैं वो हर चीज़ इनसे पूछ के करती हूँ, मुझे इतनी अच्छी बातें नू सोच लो, मैं इनके कमेंट पढ़ती हूँ ना, मैं बहुत ये फील होता है कि मेरे अपने में कमेंट कर रही है, मुझे तो गाइस इतना रोना आता है कि आप लोग में बोलते हो ना प्लीज दीदी मैं आपकी हर कमेंट लाइक करो, बहुत प्यारे कमेंट आते हैं मुझे, आप अगर गलत भी करते हो ना कोई तो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं कि मुझे सीखने मिलता है, कुछ भी सीखने को मिलता है, ये स्ट्रांग स्ट्रांग इंसान की बातें होती हैं। तो इस इंटरव्यू तो ये सीखने मिला है भाई, मतलब जो महिला है भाई शादी होने के बाद कुछ चीज़ हो जाए अगर है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो पहले भाई अपना उसने समझाने की कोशिश करो, नहीं समझ पाओ तो भाई फैमिली ने कहो, फैमिली भी नहीं सपोर्ट करे तो फिर तो भाई कोर्ट तहसील है, क्यों टाइम लगा हुआ उस चीज़ में समझण में, तो फिर घर उजड़ दे उस टाइम तक। तो भाई आपने किस तरीका का इंटरव्यू लगाया नीचे कमेंट जरूर कर दियो, जो भी पार्ट बढ़िया लगा हो, बाकी जो सवाल जवाब रह गए वो नीचे कमेंट कर दियो। बात तो बोलूंगी गाइस मैं आपसे कि मैं आप ये ना सोचना कि घर के ब्लॉग डालती है, मैं मेरी बेटी जवान है कि मैं कहीं नहीं लेके जा सकती, कि मैं घर के ही ज्यादा करके मैं घर के ही ब्लॉग मिलेंगे, क्यों जवान बेटी हो चुकी है कि घर से माँ बेटी का निकलना बहुत ही आपको पता मेरा रिस्क है, घर के भी अच्छे लगे ब्लॉग बहुत बढ़िया। अगर मैं कोर्ट में जाती ना मुझे ये नहीं होता कि मैं वापसी भी आ जाऊंगी कि नहीं, माँ आप क्या के सारी बातें शेयर नहीं कर सकती, बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग कहाँ पूछेगा आपको पता ही है, बिल्कुल पर्सनल होगा कई लाइफ भाई, सारी चीज शेयर भी नहीं कर सकते। तो अब भाई जितनी भी शेयर करी है सीखने मिला है, जो सीखने मिला नीचे कमेंट कर दियो, कितना सपोर्ट करो वो कमेंट जरूर कर दियो, अपना प्यार दिखाओ वीडियो शेयर करके लाइक करके। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे जय हरियाणा, जय हरियाणा।